अब तो सिर्फ मुजरे हैं, बस सिर्फ मुजरों तक ही अत्तर रह गए। तो हमने काम करके नाम बनाए, हमें तो आधे बाजू पहनने की भी इजाजत नहीं थी, हमें तो ये गले की ये हड्डी नंगी करने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी भी लड़की को फेम में आना है या हिट होना है तो उसको प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। और कुछ है जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इस फील्ड की हवा सुनती हैं तो आ जाती हैं कि यार अत्थे ते पैसा बड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज टीवी की सीनियर आर्टिस्ट आबिदा बेग साहिबा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज का जो थिएटर है और जो पहले का थिएटर है, इसमें क्या फर्क है? फर्क आप लोगों को नहीं पता चलता, जमीन और आसमान का फर्क। जो चीज़ आती है वो जाती नहीं है, ये एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये मजीद दिन ब दिन और आगे बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा मैम, चेंज क्या है? चेंज ये है कि कौन है इतने हौसले का मालिक जो 4-5-6-10 करोड़ रुपया खर्च करे बगैर गानों के, अच्छा स्क्रिप्ट करे और अच्छी रिहर्सल करके अच्छा ड्रामा लगाए जिससे अक्सर अवार्ड मिलते थे लोगों को, फौजी अवार्ड मिलते थे ड्रामों के डायरेक्टरों को। तो अब तो वो चीज़ नहीं है, अब तो सवाल ही पैदा, अब तो सिर्फ डांस और जो है ना थिएटर, थिएटर और ड्रामे का नाम सिर्फ डांस के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एक आड़ थिएटर और ड्रामा लिख के सिर्फ डांस के साथ जोड़ा जा रहा है। अब तो सिर्फ मुजरे हैं, बस सिर्फ मुजरों तक ही अत्तर रह गया। ये जो आए दिन स्टेज की जो थिएटर की लड़कियां हैं, कभी उनको फायर लग जाता है, कभी कोई ना कोई पंगा हो जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह का, तो ये वाकई प्रोड्यूसरों के साथ इस तरह के रिलेशंस होते हैं इनके काम के लिए? ये ताल्लुकात से कम बनाती हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा बनाती हैं। अच्छा, जितनी भी बीबियाँ हैं, अल्लाह इनको हदायत दे, जितनी भी हैं, इसमें सारी बुरी भी नहीं हैं, अच्छी भी हैं जो सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हैं। और कुछ हैं जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इस फील्ड की हवा सुनती हैं तो आ जाती हैं कि यार अत्थे ते पैसा बड़ा है। हमने 35 साल, मुझे 36 साल मेरा मतलब एक ये अरसा है मेरे काम का, और मेरे शौहर मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, उनका भी उन्होंने 40 साल इस फील्ड में काम किया। उस वक़्त जब ये ना अलहमरा था, ना कुछ था, एक मिट्टी का थड़ा था जिस पर काम होता था, टेंटों की चार दीवारी लगाई जाती थी, वो नवार वाली कुर्सियाँ होती थी। अच्छा। और ये लोग घास को उखेड़ उखेड़ के, तो हाथों से और ईंटों से मिट्टी को करते थे हम बार, लोगों को घरों से बुला के लाते थे, मार्केटों से बुला के लाते थे, आओ भाजी तुम चाह भी पियावे, ड्रामा देखो, यानी कि वो उनमें शामिल थे जैसे कि पुराने हमारे सीनियर डायरेक्टर थे। तो उन्होंने इतने बड़े स्टार बना के अपने हाथों से निकाले, जैसे कि जमील बिस्मिल साहब थे, अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, सीएम मुनीर साहब हैं थे, वो उनका भी अल्लाह जन्नतों में घर करे, और हमारे मुनीर राज साहब थे, इफ्तखार हैदर साहब थे, मतलब कि बड़े बड़े गयूर अख्तर साहब, यानी कि हमारे बड़े बड़े वो थे, ये मसूद अख्तर साहब, जिनके जिन्होंने ड्रामा किया कि मतलब हमें फुटवर्क सिखाया, हमें अप डाउन सिखाया, हमें डायलॉग डिलीवरियाँ सिखाई हैं कि ये इस लफ्ज़ को ऐसे आप थ्रो करेंगी तो आपका आपको क्लैप आएगी, ठीक है, हमने सीख के काम इधर तक किया। आज तो साथ की गली में जिसको कोई नहीं जानता वो आती है, तो वो चाहे किसी के उधार कपड़े मांग ले या किसी के पहने हुए मोल खरीद लिखे, तो वो आ जाती है, वो आके आप देखती है, कोई एक दो उसको वहाँ से बंदे टकर जाते हैं, वो उनको साथ लूटती भी है, तो फिर उसी को कहती है कि ज़रा ड्रामा तो लाओ। मैम ये तो हो गया ना, ये आर्टिस्टों का या जो लड़कियों का नए आने वाली, मैं स्टेज के हवाले से, ये जो स्टेज है एक आर्ट है, उसके हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि काम जो है वो किस तरह का हमारा हो? कल्चर, ये कल्चर, ये कल्चर है, ये कल्चर ख़त्म हो गया, कल्चर ख़त्म हो गया, थिएटर ख़त्म हो गया, थिएटर में सिर्फ अब मुजरे हैं, वो थिएटर वाली तो बात ही ना आप करें, जब कोई ये लफ्ज़ कहता है तो हमारा कलेजा फटता है, क्योंकि हमने काम करके नाम बनाए हैं, हमें तो आधे बाजू पहनने की भी इजाज़त नहीं थी, हमें तो ये गले की ये हड्डी नंगी करने की इजाज़त नहीं थी, समझ रही, हमने बोल के नाम बनाया है। अब अब तो आपके ये रिसेंटली अभी 5-6 वीडियो रिलीज हुई हैं, आप लोग वो देखें, आप तो चैनल वाले हैं, आप वो देखें ना, तो क्या इसमें मैं खाली इन्हीं का कसूर नहीं कहूँगी, इसमें हमारे थिएटर वाले जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात भी हैं, वो भी कसूरवार हैं। एक मैं वाकया बताना चाहूँगी, बहुत शॉर्ट सा, कि एक दो बहनें थी, मतलब बिंदिया कविता शायद उनका नाम था, तो जो गुजरा हमारे थिएटर है पंजाब थिएटर, उसमें है ताहर साहब, मेहर ताहर, तो उसने कहा था कि मेरे थिएटर में कोई वल्गर डांस ना करे। अच्छा, इत्तेफाक से वो अंदर जाके चेक करते होते थे, वो अंदर जाके खड़े थे, तो वो लड़की कविता की, बिंदिया की बहन थी, उसने को अंदर को थोड़ा सा गले को लूज़ किया या कुछ किया, वो पीछे आए, उन्होंने कहा चुक सामान अपना,
उसने उसका सामान उठवाया तो मुलाजमों को कहा कि इसको बाहर सड़क पे छोड़ के आओ, आज के बाद ये इस हदूद में मुझे नजर ना आए। आज के थिएटर में अगर किसी भी लड़की को फेम में आना है या हिट होना है तो उसको प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ये जितनी भी स्टारें बनी हैं ये प्रोड्यूसरों के साथ सो के स्टारें बनी हैं, अपने काम से बनी हैं, अपने फन से बनी हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ। मैं नहीं मानती। ये लड़की की अपनी कोशिश होती कि किसी तरह प्रोड्यूसर मेरे हाथ में आ जाए ताकि मैं मुझे वो सपोर्ट करे और मैं अप हो जाऊँ। प्रोड्यूसर कोई इतनी गंदी नेचर के नहीं होते। मैं नहीं मानती इस बात को, ये झूठ है।